हिंदुस्तान यानी हिंदुओं का स्थान, और ये नाम पुरातन काल से ही चला आ रहा है। अब जब इस देश का नाम भारत हुआ, जहां एक छत के नीचे सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, जिस देश को प्यार और अमन का देश कहा जाता है, शायद हमारे देश को किसी की नज़र लग गई। क्योंकि बीते कई महीनों से जो देश में चल रहा है वो गलत है या सही, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारे देश के सियासतदान और सियासी खेल खेलने वाले नेताओं ने देश के सभी स्तंभों को हिला कर रख दिया, फिर चाहे वो लोकतंत्र का स्तंभ हो या फिर पत्रकारिता का। सभी स्तंभ चरमरा रहे हैं। हिजाब विवाद, जहांगीरपुरी दंगा, हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर का विवाद, और अब मंदिर और मस्जिदों पर चल रहे बुलडोजर। आखिर देश में क्या हो रहा है? अब इसी विवाद के बीच दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने ईद ना मनाने का फैसला किया है। उन्होंने मस्जिदों पर चल रहे बुलडोजर पर नाराजगी जाहिर की है। क्या कहा, जरा सुनो। अरे भाई दुखी हो और हम ईद मनाए? साहब हम ईद नहीं मनाएंगे। ये जहांगीरपुरी में आपने देखा, दिल्ली की जहांगीरपुरी में आपने देखा कि 16 अप्रैल को वहाद हो गया, शोभा यात्रा निकल रही थी। हालांकि पुलिस ने कहा कि इस यात्रा की हमने परमिशन नहीं दी थी, लेकिन बहरहाल निकाली, लोगों ने तलवारें घुमाई, हथियार दिखाए, उल्टे सीधे नारे लगाए, डीजे बजाए, मस्जिद के आगे खड़े हो गए। हत्ता के मस्जिद का वो हिस्सा जो ज़रा बाहर को निकला हुआ था, हम आपने झंडे वंडे लगा रहे थे। वो कोई बात नहीं, 3-4 दिन में हालात रफा दफा हुए, बुलडोजर वाले पहुंच गए। तो सुना आपने कैसे ये इमाम साहब इशारे इशारे में लोगों को ईद ना मनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वैसे इनसे इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, और वैसे भी ये बाकी धर्मगुरुओं से अलग थोड़ी ना है। क्योंकि बीते बुधवार को ताजमहल के बाहर जिस तरह हिंदू धर्म के संतों ने तमाशा किया था, वो भी काफी निंदनीय घटना थी। हिंदू मुस्लिम ये मानो कि जैसे हमारे देश का हिस्सा बन गया, कि इस मुद्दे के बिना किसी की राजनीति के कार्यक्रम का संपन्न होना नामुमकिन है। देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी के आंकड़े आसमान छू रहे हैं, और नेताओं को हिंदू मुस्लिम का खेल खेलना है, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। अभी से प्रोपेगेंडा तैयार करेंगे, तभी तो आगे जाकर वो कारगर साबित होगा। तो भैया ऐसा है, ये सारा खेल ही वोट बैंक का है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये तो आपको पता ही है, इस वक्त लाठी किसके हाथ में है, ये पब्लिक है बाबू, सब जानती है। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।